आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द वेक्टर्स 2i-j+k एंड i+2j-3k एंड 3i+pj+5k आर कोप्लेनर शुड बी। तो अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो ये जो डिटरमिनेंट वैल्यू होती है, जिसमें जो पहली रो होती है वो होती है फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स अलोंग i j के, जो यहाँ पे दे रखे हैं 2, -1 और 1। सेकेंड रो होती है कंपोनेंट्स ऑफ i j के अलोंग, कंपोनेंट्स ऑफ सेकेंड वेक्टर अलोंग i j के, जो है 1, 2 और -3। तो ये आ गया 1, 2 और -3। और लास्ट रो जो होती है वो होती है कंपोनेंट्स ऑफ थर्ड वेक्टर अलोंग i j के, जो दे रखे हैं 3, p और 5। तो ये हो गया 3, p और 5। अगर ये डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो के बराबर आती है तो अपन कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों जो वेक्टर्स हैं वो कोप्लेनर है। तीनों के तीनों जो वेक्टर्स हैं वो कोप्लेनर है, यानी एक ही प्लेन में लाया करते हैं। तो अगर इस डिटरमिनेंट वैल्यू को अपन सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2 times of 10 plus 3p plus 1 times of 5 plus 9 plus 1 times of ये होगा p minus 6 is equals to 0। अब अगर इस चीज़ को आगे सॉल्व करें तो ये आएगा 20 plus 6p plus 14 plus p minus 6 is equals to 0। तो यहाँ से जो 7p की वैल्यू आएगी वो आएगी 6 minus 14 minus 20। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं p की वैल्यू लिखूँ तो वो आएगा 6 minus 14 is -8 minus 20 divided by 7। तो ये आ गया -28 divided by 7। तो इस चीज की वैल्यू आएगी -4। तो p की वैल्यू आ गई -4। आई होप अंडरस्टूड, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।